अस्सलामुअलैकुम, आई एम जितनास। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही इजी। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले मैं वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए पिज़्ज़ा की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक गिलास नीम गर्म पानी का लिया है। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। इसमें हम एक चम्मच ऐड करेंगे चीनी। चीनी आपने एक चम्मच ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। अब हम इसमें ईस्ट ऐड कर देंगे, ये भी हमने एक चम्मच लिया है। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने मैदा लिया है, यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। साथ में मैंने नमक लिया है, नमक इसमें ऐड कर देंगे मैदे में और इसको मिक्स कर लेंगे। नमक मिक्स करने के बाद इसमें हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे पानी जिसमें हमने ईस्ट मिक्स की थी, और चीनी। इसको भी हम इससे आहिस्ता आहिस्ता से डाल के तो इसकी डो बनाते जाएंगे। डो को आपने ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं। ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच लिया है मैंने। इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इस तरह की डो बनानी है कि हाथ से चिपके ना। डो रेडी है, अब हम इसको रखेंगे एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे, या प्लास्टिक रैप आप कर सकते हैं इसको ऊपर से, लेकिन मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में रखूंगी और इसको बंद कर दूंगी। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल इसमें ग्रीस करेंगे पहले बॉक्स में, और फिर इसमें ये वाली डो जो है रेडी की हमने रख देंगे। इसको 2 घंटे के लिए हम रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। इसको हमने फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। यहाँ मैंने चिकन लिया है, चिकन हमने पिज़्ज़े के हिसाब से लेनी है। साथ में मैंने लहसुन लिया चॉप किया हुआ, काली मिर्च ली है, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर लिया है, और साथ में लिया है नमक। पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। लहसुन को आपने ज़रा फ्राई नहीं करना है, इसमें साथ ही हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाएगा। चिकन का कलर जो है वो वाइट हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, काली मिर्च, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, और साथ में ऐड कर देंगे 1 चम्मच सिरका। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। इनको गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। जैसे पानी खुश्क होगा तो हम इसको उतार लेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, डो जो है वो रेडी है। देखें इस तरह से फूल चुकी है। तो अब हम इसको पेड़ों में बनाएंगे। देखें इस तरह से हम इसकी पहले हवा जो इसमें बन चुकी है उसको निकालेंगे, थोड़ा इसको प्रेस करेंगे। ये हाथ को चिपके तो आप हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लें और उसकी वजह से फिर इसको सेट कर लें। डो को से सेट कर लें, डो सेट हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। एक हम पेड़ा थोड़ा बड़ा बनाएंगे और एक थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। प्लेट में आप पिज़्ज़ा बनाएंगे, बेक करेंगे, उसी में हम इसको इस तरह से रख के तो फैला देंगे। सेंटर से आपने इसको पतला बनाना है और किनारे से थोड़ा मोटा बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको फैला देंगे सारी प्लेट में। आउट ओवन हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, इसको बेक करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हमने इसको फैला दिया अच्छे से, तो इस पर अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। अब हम पिज़्ज़ा सॉस मैंने लिया, ये आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। चिकन जो हमारा रेडी हो चुका था इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, ये ठंडा हो चुका है। बाकी की चीज़ें जो इस पर हम लगाएंगे मैंने वो भी रेडी करके रखी हुई हैं। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर लिए, इनको भी मैंने लंबाई में काट लिया। साथ में शिमला मिर्च को लंबाई में काटा, छोटे छोटे पीसेज में भी काटा है। तो हमने इसको 2 पिज़्ज़ों में यूज़ करना है। पहले हम बड़े वाला पिज़्ज़ा लेंगे, इस पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी अच्छे से। अब हम इसमें लगाएंगे चीज़, मोज़रेला चीज़। इसको मैं इस पर इस तरह से फैला दूंगी। चीज़ मैंने इस पर लगा दी है, अब मैं इस पर लगाऊंगी बाकी की चीज़ें। टमाटर लगा देंगे सबसे पहले हम इस पर, आप चाहे तो उसको क्यूब की शेप में भी काट सकते हैं। अब हम इस पर लगाएंगे शिमला मिर्च है, इस पर हम प्याज भी लगा देंगे बारीक कटी हुई है।
अब हम इस पे लगाएंगे चिकन। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं कम ज़्यादा, तो इसको भी हम इस तरह से इस पे लगा देंगे। सारा चिकन मैंने लगा दिया है, तो अब हम इसे ऊपर से थोड़ी सी और चीज़ ऐड कर देंगे। अब हम इसके किनारों को इस तरह से पकड़ेंगे और थोड़ा सा इस शेप में बना देंगे। थोड़ा मोटा होना चाहिए किनारा जो है। जो किनारे हैं इस पे हम इसके लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। पिज़्ज़ा जो है ये बेक होने के लिए रेडी है। मैंने एक पतीली ली है, इसमें नमक डाल के स्टैंड रख दिया था और इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये फुल गर्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी थी। तो अब इसमें हम पिज़्ज़ा रख देंगे स्टैंड के ऊपर और इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। यह मैंने एक पैन लिया है जो हमने छोटे वाला पेड़ा बनाया था, उसको हम इसमें रखेंगे और पैन पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। इसको हम इसमें इस तरह से फैला लेंगे, किनारे मोटे होंगे और सेंटर से ये थोड़ा पतला होगा। अब हम इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। एक साइड से हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। 30 सेकंड में ये एक साइड तैयार हो गया है, तो अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से पकाएंगे। अब हम एक फोक की मदद से इसमें हल्के से सुराख कर देंगे। इस तरह से आप कर देंगे इसको, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं। साइड से हमने इसको 30-30 सेकंड पकाया है, तो अब हम दूसरी साइड से भी इसको फोक से इसी तरह से इसमें सुराख कर देंगे हल्के से। डो यू है ये थोड़ी सी गर्म है, हल्की हल्की सी गर्म, इसलिए हम इस पर थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे ताकि ये गर्म हो जाए, और साथ ही हम इस पर सॉस लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो इस पहले हम चीज़ को इस तरह से फैला देंगे। अब हम इस पर सॉस लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस लगा के, तो जो चीज़ हमने इधर रखी थी वो थोड़ी गर्म हो चुकी है, इसको इसी तरह से इस पर फैला देंगे और सारा हम इसी तरह से बना लेंगे। और अब हम इस पर शिमला मिर्च, टमाटर और चिकन भी ऐड कर देंगे। अब हम इस पर चीज़ लगा देंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मेरे पास यहाँ चीज़ थोड़ी कम है, मैं इसको थोड़ा सा और ग्रेट कर दूँगी इसके ऊपर। तो इस पिज़्ज़े को भी हम बेक करेंगे, लेकिन इसको हमने तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बेक करना है, ज़्यादा नहीं। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के तो ऊपर से कवर कर दिया है। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये बेक हो चुका है। पैन पिज़्ज़े को बहुत कम टाइम लगता है। तो ये देखिए चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है और पिज़्ज़ा जो है वो रेडी। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट में निकाल लिया है, तो बहुत ही मज़े का है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये वाला पिज़्ज़ा जो है इसको आप बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया इसको लाइक कर दें। हमने पतीली में रखा था पिज़्ज़ा, वो भी हमारा बेक हो चुका है। इसको हमने 20 मिनट बेक किया है, देखिए ये भी बेक हो चुका है। जो चीज़ थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो आप ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बनता है ये पिज़्ज़ा, भी बहुत गर्म है, इसलिए ज़रा ध्यान से कटिंग करें। पिज़्ज़ा जो है ये रेडी है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, इसकी डो कितनी अच्छी बनी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इसको सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।